अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब जी? ख्वातीन हज़रात, आज सुपर ओवर की बाउंसी पिच पर शानदार इनिंग खेलने के लिए एक ऐसी सिंगर आ रही हैं जिनके बारे में ये कहना बिल्कुल दुरुस्त होगा, ऑडियो भी सोनी है ते वीडियो भी सोनी है। ओएसटी हो, प्लेबैक सिंगिंग हो या लाइव परफॉर्मेंस हो, हर मैदान में छक्के मारती हैं। आपकी भरपूर तालियों में प्लीज वेलकम आयमा बे। आयमा, लॉरी गेट से आपने एंट्री मारी है और आपका इतना वजन नहीं है जितना भारी आपने जोड़ा पहना हुआ है। वाकई आई नो राइट, अच्छा लग रहा है लेकिन। हाँ हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे बताएं कि आप लॉरी है इसलिए आज क्या खाएंगी ड्रिप के अलावा? क्या खाऊंगी, अभी तो कॉफी मैंने मंगवाई भी थी, अभी तक मिली नहीं मुझे। पाए भी है। अच्छा, हरीसा भी है। आपको लगता है मेरी सेहत देख के मैं सब कुछ खाती हूँ? तो हम चाहते हैं कि आपको कुछ खिलाए। भाई आप खाए ना खुद, आपने खुद तो खाना छोड़ दिया बिल्कुल। जड़ियाँ पावे खद्दा ते चांपा सी मंगवाइया सनंदा, मतलब है बादशाह सलामत तुसी पैक करा के बच्चे ले आए। ठीक है, हद है तब गुस्ताख, बट मैं तेरी खद्दा बांध देंगे। बहुत ही रोजात हमारे अगले मेहमान, ऑल द वे फ्रॉम लंडन, नॉट ओनली ही इज अ क्रिएटिव डायरेक्टर बट यूज्ड टू बी अ फैशन फोटोग्राफर, बहुत सी म्यूजिक वीडियोस बना चुके हैं, एड्स भी बना चुके हैं, आज सुपर ओवर के अंदर क्या बनाने आ रहे हैं प्लीज आपकी भरपूर ताली में वेलकम अदनान काजी। जिस रफ्तार से आपके गाने कहानी सुनो के व्यूज बढ़े, इतनी रफ्तार से तो महंगाई भी नहीं बढ़ती। मुझे बताएं, आपने कहीं IMF की शरायत कबूल तो नहीं कर ली? बिल्कुल मैंने कबूल कर ली है, इसीलिए बस हो रहा है सब कुछ। हाय हाय अदनान काजी, मुझे बताइए, लंदन से आए हैं, हालांकि लंदन जाता है वो वापस नहीं आता, आप कैसे आ गए? बस मैंने बुला लिया ऐसे वापस। कहानी दुनिया के अहम लिटरेचर का हिस्सा है, ये मोहब्बत की कहानी है या वो कहानी है जो नानी ते दादी रजाइयां च वड़ के मूंगफलियां छिल के ते गरम गरम हीटर दे अग्गे बह के बच्चियां नूं सुनांदियां ने? लेकिन आई थिंक अभी मैं विराट कोहली के उसको फॉलो कर रही हूँ। विराट कोहली का मतलब है अनुष्का माइंड तो नहीं करेगी? सानू की बंदा है। इंग्लिश पिचेस पर खेलते खेलते आप पाकिस्तान आ गए हैं, हमारे साथ कहीं वो तो नहीं करेंगे जो इंग्लैंड की टीम ने हमारे साथ टेस्ट सीरीज में किया? क्या पता कर लें। हाय खातिर आजाद, आज का सुपर ओवर शुरू करते हैं, आइए कहानी सुनो प्यार हुआ था, बहुत ही खूबसूरत गाना है जो बहुत जल्दी हमारे कानों में रच गया है, लेकिन ये गाना एक कवर है, एक्चुअली ये गाना कैफी ने पहले गाया हुआ। बिल्कुल, कैफी एक बहुत ही खूबसूरत बहुत ही टैलेंटेड आर्टिस्ट है, मुझे बिल्कुल नहीं पता था, लेकिन वन डे आई वाज जस्ट लाइक, मैं बैठी हुई थी और राइटर्स ब्लॉक जिसे कहते हैं ना, बिकॉज आई एम वर्किंग ऑन माय एल्बम, तो एल्बम पे काम कर रही थी लेकिन लिखते लिखते कुछ समझ ही नहीं आ रही थी क्या लिखूं, आई वाज इन अ वेरी डार्क स्पेस, तो कैफी का एक गाना लगा यूट्यूब पे, मैंने पीछे चलाया हुआ था एंड आई स्टॉप, आई जस्ट पुट माय पेन डाउन एंड आई वाज लाइक, ये बंदा क्या, मतलब इसने इतने कमाल के लिरिक्स लिखे हैं, कमाल का गाना गाया है। आई आस्क्ड, आई कॉल्ड हिम। अच्छा, कैफी को पहले यकीन नहीं हुआ कि मैं उसको इट्स अ लेजिट कॉल, ही वाज लाइक, अच्छा बाकी हुई बात करें, लाइक यस आई एम एंड आई एम अ ह्यूज फैन, बिकम अ ह्यूज ह्यूज फैन, कैन आई प्लीज डू अ कवर ऑफ योर ब्यूटीफुल ट्रैक? सो ये कवर, ये गाना है ओरिजिनली कैफी खलील का है, पर आई जस्ट डिड अ कवर। क्या बात है जी, और आपने भी क्या खूबसूरत गाया है, बाकी ये तो एक एपिक लव स्टोरी बन गई है, क्या मोहब्बत की कहानी गाई है आपने। अदनान, आप एक बड़े रोमांटिक डायरेक्टर हैं, अक्सर आप म्यूजिक वीडियोस बनाते हैं बड़ी फ्लैशी होती हैं, बड़ी खूबसूरत और रोमांटिक होती है, ऐ ट्रेजिक म्यूजिक वीडियो में कहाँ से आ गए? आई डोंट नो, मुझे लगता है कि ट्रेजेडी भी एक बहुत खूबसूरत बात होती है एंड आई फील के जिस तरह आयमा ने गाना गाया और जिस तरह कैफी ने गाना लिखा है, आई थिंक इट वॉज अ वेरी ब्यूटिफुल सॉन्ग, और ये गाना मुझे लगता है बहुत ग्लैमरस है, और ऐसा नहीं है कि हम लोग रो रहे हैं या ऐसी कोई बात है, बट आई थिंक इट्स वेरी ग्लैमरस एंड वेरी नाइस, आई थिंक, बट द मूड इटसेल्फ इज वेरी, द मूड इज अ लिटिल डार्क, बट आई थिंक डार्क तो भी चलता है, इट्स अ फेज, आई थिंक द मूड इज मोर ऑफ अ फेज, या जो कि खत्म होने वाला है, हो गया ये। आयमा, बिलाल लशारी ने फिल्म हिट करवा ली जिसमें एक भी गाना नहीं था और यहाँ OSTs को अवार्ड पे अवार्ड मिल रहे हैं, क्या प्लेबैक का करियर फ्यूचर जो है वो सेफ हैंड्स में?
आई बिलीव अच्छा वैसे पहले बहुत अच्छा था आई वुड से जब हमारी स्टार्टिंग में मूवीज आती थी प्लेबैक सिंगर्स चाहे वो मेल हो या फीमेल हो उनमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं होती थी. नाउ आई बिलीव कि फीमेल सिंगर्स को इतना जिसे कहते हैं ना इतना ज़्यादा साइलेंटली उनको इतना प्रोमिनेंट नहीं किया जाता. अच्छा, लगता है आपको? आई बिलीव दैट नाउ आई स्ट्रांगली बिलीव दैट क्योंकि अगर आप पहले के वैसे तो आई डोंट really believe in awards anymore but Allah ka shukar hai jitna bhi jo bhi hua pata lagta tha pehle sabko. This time when it happened I had zero clue ke like kaun hai kyunki pata bhi nahi laga like they should also be like put up on the stage they should be given the highlight ke these are female aur hamare paas itni zabardast sub singers aa gayi hain to aapko lagta hai ki auraton ko itni recognition nahi di jati. Now I believe ke even if they give a really hit song usko itna zyada नहीं दिया जाता. That's what I believe. Yeah. शान से भी हमारी मुलाकात हुई थी और उन्होंने कहा था आपने जब अर्थ फिल्म के लिए गाने गए थे तो उन्होंने आपको एक टिप दी थी कि मुझे अडेल वाली फील चाहिए. तो ये अडेल वाली फील आपने कैसे निकाली? अगर डेमो जरा पेश कर दें. अच्छा, गला खराब होने के बावजूद कोई जज तो नहीं करेगा क्योंकि जज करने के लिए सब बैठे देखिए जज करने के लिए सारे हाथ ऊपर मेरे हाथ ऊपर है पहले यहाँ कोई नहीं आपको जज करेगा. अच्छा चले अडेल माफ कर देगी मुझे. चले There is a fire starting in my heart, reaching a fever pitch, it's bringing me out the dark. Finally, I can see you crystal clear. Go ahead and set me up, 'cause I lay your ship bay. Hi, baby. जी सर. छोटी उम्र और कलील अरसे में आपने जो कामयाबियां समेटी हैं, वाह खुदा नसीरुद्दीन हुमायूं बिन ज़हीरुद्दीन बाबर के फरजंदे अर्जमंद जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर को आप पर नाज है. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच. मुझे यही तो चाहिए था बस. माँ बदौलत ने शायरों की जमीनों पर कब्जे करवा के आपके लिए कविता लिखी है. Please. अगर इजाजत हो तो पेश कर. बिल्कुल, ऑफ कोर्स, इजाजत की क्या जरूरत है, आप तो बादशाह वैसे ही हैं. सर हिंदो कि मेरा बीट Burn the floor.
बातचीत ये बताएं कि आप कोई शादियों की बुकिंग्स लेते हैं? बहुत मिलेंगी आपको, बता रही हूँ। हाँ मैं जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर की मोहब्बत को तुमने पैसों में तोल दिया, अच्छा किया। वैसे तुमको ये किसने बताया? मैं तो शादियों और हकीकों पर भी जाता हूँ। मुझे पहले ही पता था, पहले ही पता था। हमें रुसे आना कर मेरी जान सजना, एक दिन छड़ जाना है जहान सजना। एक्सक्यूज मी, कौन है आप दोनों? छोटा चावल को बासमती समझने वाले भट्ट। ढोल बजाओ, नगाड़े बजाओ, तराशे बजाओ और बच्चों में मुरूंडा बांटो। हमारा अच्छा। शो में देखो कौन आया, जेनिफर लाल और उसके फादर मोजियत चौधरी खुद चलकर आए हैं, हमें रिक्शा नहीं मिला इसलिए चलकर आए हैं। जेनिफर लाल दे उनके अबू भी आ गए, मोजार्ट चौधरी। यस जेनिफर लाल, आजकल जेनिफर लाल दे हदवाना लाल, बड़ी मुश्किल ना लगता। ओह माय गॉड, जेनिफर लाल, डैडी मोजेट और दूसरी तरफ आयमा बेग और अदनान काजी सुपर ओवर में। बट तुमने आज अपना शो अवतार बना लिया है। हम दोनों तो इलायची फेरने पे भी हाजिर हो जाते हैं। क्या ऑल फॉर बक रहे हो? बट हम वो लोग नहीं, हमें तो प्याज गुड़ और देसी लहसुन की भी ऑफर हुई थी। अच्छा। लेकिन हम नहीं गए, स्टैंडर्ड है हमारा। हमें तो खुद हवालदार लेने के लिए आता है, किसी शो में भी चले जाए जब तक पुलिस ना आए हम नहीं निकलते। एडवांस लेकर मुकर जाते हैं तो फिर कॉन्सर्ट कहाँ करते हैं? मोया दी मंडी। ये बात मत करो बट, दही के साथ ग्रीन टी पीने वाले। मेरे माइकल जैक्सन के कॉन्सर्ट में तो इतना रश नहीं होता जितना मेरे कॉन्सर्ट में होता है। अच्छा। मेरे कॉन्सर्ट के अंदर एम्बुलेंस घूम रही होती है और मेडिकल टीमें गश्त कर रही होती है। ये उनको पता है, मुझे नहीं पता। मुझे पता है, जो भी मेरी बच्ची का कॉन्सर्ट देखता है उसको कह लग जाती है। और जिन्होंने महंगे टिकट लिए होते हैं वो आगे बैठ के कोमा में चले जाते हैं। म्यूजिक वीडियोस तो हर दौर में हिट रहे हैं, लेकिन आजकल लीक वीडियोस का बड़ा ट्रेंड चल रहा है, इस तरह का कोई प्रोजेक्ट पाइपलाइन में तो नहीं? आई होप नॉट। मेरी वीडियो भी लीक हो गई थी, मैं देख ली वो सॉन्ग की। ओहो, वो तो किसी ने मेरा ना कंप्यूटर हैक कर लिया था। ओ, सारा ही कंप्यूटर हैक कर लिया। हालांकि उस कंप्यूटर में ना मदरबोर्ड था ना हार्ड डिस्क थी, बस एक वीडियो था जो हमने खुद उसमें डाला था कि चोरी हो जाए। वीडियो लीक होने के बाद मैं बहुत डिप्रेशन में चली गई थी। शुक्र है वो वीडियो किसी को पसंद नहीं आई। फिर मैं डिप्रेशन से निकल के फैसलाबाद चली गई, फिर वहां से शक्कर चली गई। आपके वालिद साहब का म्यूजिक बैंड अभी तक कायम है या उसके साथ जुनून वाला हाल हुआ है? नहीं नहीं, मेरे अब्बा जी का कोई प्रॉपर बैंड नहीं था, उनको बस शौक था कि वो अपने कुछ दोस्तों के साथ रॉक स्टार। अपने दोस्तों के साथ बैठ के। कितना अरसा उनका ये शौक रहा? मैं तो पैदा भी नहीं हुई थी तब का बैंड था, आई थिंक ये तब की उनकी जवानी की बात है। अच्छा, तो क्या ड्रम्स बजाते थे या गिटार? नहीं नहीं, वो उनको ढोलक बड़ा अच्छा बजाना था और वोकलिस्ट थे। बहुत अच्छा गाना गाते हैं, बहुत खूबसूरत आवाज है उनकी। क्या आज भी इतनी प्यारी लगती है मुझे बहुत। अब तो गाते नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन जब भी कभी आवाज आ जाए हल्की सी तो बहुत खूबसूरत लगती है। इसका मतलब अगले सुपर ओवर में उनको बुलाया जाए। हाँ, तो मुझे पता है हमारे अब्बा भी बहुत कुछ बजाते हैं। अच्छा, ये ज्यादातर लोगों के घरों की बेल बजाते हैं और फिर भाग जाते हैं ना भागे तो फिर वो बजाते हैं।
बट जी हाय माँ के अब्बा, मैं और नींबू ढोलक वाला एक ही उस्ताद के शागिर्द हैं। झूठ मत बोलो, तुम उसमें एज ए ढोल थे। नींबू जी कैसा खट्टा शागिर्द। अजान समी खान ने सुपर ओवर में बताया था कि आज तक उनको अपने अब्बा अदनान समी खान से ना ही दाद मिली, ना ही शाबाश मिली और ना ही नकद पैसे मिले। आपको अपने वालिद साहब से नकद पैसे मिले या ऑनलाइन ट्रांसफर? अच्छा, दोनों चीजें नहीं हुई। पहले तो हाँ, पहले तो अब्बा जी कहते थे कि बिल्कुल ही करना ही नहीं है ना। उन्होंने कहा कि अगर आपने बेटा जी इस फील्ड में आना है तो फिर आप अपने नाम से, आयमा बेग नाम है ना, तो बेग हटा दीजिएगा प्लीज। नहीं, तो मैंने कहा अब्बा जी ऐसा क्यों? तो फिर मैंने कहा ठीक है हटा देती हूँ फिर। तो फिर मेरी अम्मा जी ने कहा कि नहीं नहीं, मैंने सुना है अच्छा गाती है, एक दफा देखते हैं, गा के देखते हैं। और मेरे अब्बा जी को क्योंकि खुद भी शौक था, तो जब उन्होंने मुझे प्रॉपरली सुना तो उन्होंने कहा हाँ बच्ची में थोड़ा सी बात तो है, वैसे ज्यादा दे देते हैं। क्या बात है जी, क्या बात है। हाय माँ, अगर तुम्हारे अब्बा हजूर कुछ देर के लिए नाराज थे तो तुमने ये नाम रख लेना था, हाय माँ जिल्ले लाही बेग। चौलों वाली देख। देख भी दिन चढ़िया की नहीं। अब तो बच्ची मशहूर हो गई, अब तो डैडी कहते होंगे दो दफा बेग रख लो। आमिना आमिना ओ वक्का वक्का ए आमिना आमिना श्रीलंका डम 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 श्री पावे डम 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 जिदा यार जुदा हो जावे उदा खर्चा कौन चलावे आ डम 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 बटके आली माड़ा पुत्र। आंटी ये आपको क्या हो गया, अपना चिट्टा चाटा ट्रेड इन करवा के आप गोल्डी लॉक्स बन गई है, क्या कर रही है आप? साथ गंगू भाई भी आ गई है और इंटरनी गंगू भाई भी आ गई है। आए बट माड़ा पुत्र के दसाई, आज असल च पता लग गया कि तुसने शो सुपर ओवर च आयमा बेग ते अदनान काजी साहब आए, असि त्रै दिया त्रै रल के इन्हें कि टफ टाइम देन आई। लगता है बनेरे तो जी इट डिगी सी ना तुहाडे सिर ते आके वजी है, ते तुहाडा दिमागी तवाजन ना खराब हो गया। दिमागी तवाजन खराब हो गया, मैं खड़ा अद्धे घंटे च इलेक्शन मांग रही हूँ। अज जेड़ी भी गल करनी है सोच समझ के करी बटा, अज तुड़े शो च शकीरा पठवारी आई है। तके तू वर्ल्ड कप दा जेड़ा टाइटल सॉन्ग है शकीरा पठवारी कोलो नहीं गुआया, ते कैसे कैसे अपसेट वजे ने सऊदिया ने अर्जेंटाइन नू ते मोराको ने स्पेन की हरा के के अपसेट मारिया, ए अपसेट ते कश्मीर दे इलेक्शन च भी नहीं वजा। आंटी ये तो ऐसे ही है जैसे कोई इकॉनमी तबाह होने का जिम्मेदार हुकूमत की तब्दीली को ठहराए। आंटी हाँ जी, बात अगर बांदर किले के वर्ल्ड कप की होती तो हम बात मान भी लेते। मार मेने मेनू तू भी मार मेने, जिथे मेरे शरीके ने भी की मेने मारे ने, लेडी गागा रिहाना बियोंसी ते नूरा लाल ने मार, तू भी मेने मार मेने। हाय हाय हाय, कहाँ बियोंसी कहाँ लेडी गागा और नूरा लाल, की कॉम्बिनेशन ते अपना सही कराओ। आए माड़िया बच्चा शरीके की कदी भी कमजोर नहीं समझीदा, ए खाली लेडी गागा बियोंसे ते नूरा लाल ही मेरा शरीका नहीं, मेरा डिस्टेंस कजन एल्टन जॉन अकरम राई पिट बुल लूने वाला ते रिकी मार्टन मलकू, ए सारे दे सारे मेरा शरीका ही। लेकिन बट माड़ा पुत्र मैं भी बड़ी टारगेट ओरिएंटेड आंटी हाँ, मैं भी उतनी देर तक सा नहीं लिया जितनी देर तक सारे प्रोजेक्ट कठे नहीं कर ले। खातिर आजाद एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद ये जरूर पूछेंगे कि आंटी ने कौन से प्रोजेक्ट लिए हैं। आप देख रहे हैं सुपर ओवर। काजी हमारे भी वीडियो बनाए, वो शरीफ आदमी है। अच्छा मैंने भी देखा था फेसबुक पे तुमने लिखा है सिंगल। खातिर आजाद वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक लेडीज एंड जेंटलमैन, आप देख रहे हैं सुपर ओवर। अदान आपने इतनी खूबसूरत म्यूजिक वीडियो डायरेक्ट की है, बड़ा सिंपल और स्ट्रेट टू द पॉइंट म्यूजिक वीडियो आपने बनाई है, क्या इस गाने की ये डिमांड थी या आप यू वांटेड टू ट्राई समथिंग न्यू? एक्चुअली सच में ऐसा हुआ था कि हम लोग एक दिन पहले हमने गाना सुना था और जब मैंने गाना सुना तो मैंने आयमा को कहा कि लेट्स जस्ट शूट द वीडियो। अच्छा, हम लोगों ने लिटरली नेक्स्ट डे हम लोगों ने शूट किया विद इन लाइक आई थिंक 5 आवर्स मेबी, या 5 आवर्स मैक्स।
और मेरे घर पे हुआ था, तो मैं हम ये बहुत स्पॉन्टेनियस था और मैं सिर्फ चाहता था कि आयमा उस गाने को गाएं और कनेक्ट कर पाए ऑडियंस से, क्योंकि गाना ही इतना खूबसूरत है. तो मुझे नहीं लगता था कि हमें इसको बहुत कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोकेशंस पे शूट करना था. या आंटी पोटोहारी, आपने कौन-कौन से प्रोजेक्ट्स किए? आए माड़िया बच्चा पूछ ही ले आई थे सुन. सब तो पहले थे कॉस्मोपॉलिटन, बागड़ बिल्ली, अगरबत्ती दी सारी कैंपेन भी की मिल गई. अच्छा, कह दसा इस किस्म दी एड शूट हुई है, लोकां दी उंगलियां दंदा च आ गईयां. काश ऐड की जगह आंटी शूट हो जाती. आमीन, दौर फटे मो. आंटी ने फैसल वाडा से बुलेट प्रूफ जैकेट ली है, आंटी को कुछ नहीं हो सकता. असल में ना फैसल वाडा ने धोखा किया है, अब मैं उसको लो मंगी ऐसी बुलेट प्रूफ गड्डी, ओ सना मगरों लाने वास्ते जैकेट दे छोड़ी. असल में बट जब मैं अगरबत्ती नहीं ऐड की थी ना, सदके जुला के मजा आया. इंज करके मैं पहुंची है चुड़ैल बानो नी तुरबत ते. अच्छा, ओथे मैं अगरबत्ती तुखाई है ते नाल मैं आखया रंग बातें करें और बातों से खुशबू आए. आहा, दर्द फूलों की तरह महके अगर तू आए. सिर्फ चुड़ैल बानो नहीं, तुम्हारी भी तुरबत होनी चाहिए और तुम्हारी तुरबत पे सिर्फ अगरबत्ती लगा के मैं ये कहूँ इससे सस्ती सिर्फ अगरबत्ती आए. चुड़ैल बानो की कब्र थोड़ी खुली करा लेना ते नाल अब्बा भी पाई छोड़. काजी हमारे भी वीडियो बनाए. वो शरीफ आदमी है. यू शट अप. काजी हमारी वीडियो बनाए और हमें स्टार बना दो. यूं तो हमें संजय लीला बंसाली ने एक एपिक करेक्टर बना दिया है, फिर भी हल्की सी एक कसर बाकी है. किथे संजय लीला बंसाली, किथे गंगू लीला टंगसाली. काजी हमारी मोहब्बत की कहानी को उन कैमरों से शूट कीजिए जिन कैमरों से जेम्स कैमरॉन ने केट विंसलेट को एक्सपोज किया था. वो कैमरे डूब चुके हैं. अब बिल्कुल सही कह रहे काजी, वो कैमरे तो कब के डूब चुके हैं, बल्कि उनको सुखाने के लिए छत पे पाया है. कैमरे जेम्स कैमरॉन के थे या पा गुलाम अली के थे जिनको सर्दी लग गई है? वाकई पा गुलाम अली गिलिया जराबा ते गिले कैमरे नाल काम नहीं करदा. गंगू दीदी तेरी वीडियो में पैसा इन्वेस्ट करूं किस तरह? तू समंदर है और काजी साहिलों की हवा. इंटरनी गंगू, तुम्हें वजन कम करने के लिए कहा था, तुमने शायरी का वजन कम कर दिया. यूं तो हम मुकम्मल हैं, सब कुछ कर लिया है. इस वीडियो से काजी साहब का पोर्टफोलियो ही बड़ा होगा. ओहो, मैं नहीं चाहता कि मेरा पोर्टफोलियो बड़ा हो. हमारे पापा को भी पोर्टफोलियो है. नहीं अब ठीक हूँ, कल मैंने कचरे पी लिए थे. मैं बोलता हूँ वो कैमरे लाओ जो जलसे में खाली जगह शूट करता है. मैं तो कहती हूँ वो कैमरे लाओ जो एफआईए के पास है. ओहो, वो कैमरे मुझे नहीं लगता किसी और के पास हैं. वो देते भी नहीं है. काजी आयमा तो वक्त की कहकशां का एक दरख्शां सितारा है. इनकी म्यूजिक वीडियो तो आपने बना ली, ये एक संगे मेल तो है, लेकिन फाइनल डेस्टिनेशन तो हम ही हैं. अच्छा. फाइनल डेस्टिनेशन वो फिल्म थी जिसमें लोग मरते हैं. अभी हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं. लोग लिख तो देते हैं सेवंथ स्काई प्रोडक्शन, लेकिन प्रोडक्ट ऐसी होती हैं जैसे बिजली की तारों में अटकी हुई पतंग. और उन दिनों जिन्हें दिनों बसंत पाबंदी. अदान वैसे तो आपने अभी कहा है कि आप फिल्म मेकर बनना चाहते हैं, फिल्म मेकर के रास्ते में कितने पड़ाव है? होपफुली जल्दी, बहुत जल्दी. तो कॉमेडी एक्शन क्या आपका जॉनर क्या है? अभी आपको क्यों बताऊं? तरसो तरसो ना दसना तरसो. इनके गैठे से लगता है अर्थगोल टाइप बनाएंगे. मैंने तो खुशी हो रही आयमा माशाल्लाह दिन ब दिन खूबसूरत ही होई जा रही. तक वो हथा पैर से कितनी कैप्शन ने सहेलियां तू सू गजनी बेग तो नहीं कहदिया. म्यूजिक वीडियो का ट्रेंड वेस्ट से आया. एल्विस प्रेसले ने लाइव ऑर्केस्ट्रा के साथ म्यूजिक वीडियोस बनाना शुरू की. एमटीवी इसमें मॉडर्निज्म लेके आया. मुझे बताइए इंडिया और पाकिस्तान में इस ट्रेंड को वाकई हिट हुआ या ये इंस्पिरेशन ही थी? आई थिंक वेस्ट से ऑब्वियसली इंस्पिरेशन तो आई होगी क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ों में वो हमसे बहुत आगे हैं. बट जो हमारा म्यूज़िक है या जो हमारा एक्सप्रेशन है वो वेस्ट से काफ़ी डिफरेंट है. तो ज़ाहिर है हमारी म्यूज़िक वीडियोज़ भी उसी तरह वो रिफ्लेक्ट करती हैं. बट या आई मीन इट्स ऑलवेज गुड टू टेक इंस्पिरेशन बट डू योर ओन थिंग. यानी बड़ी खूबसूरत बात की आयमा. जब एक म्यूज़िक डायरेक्टर आके एक सॉन्ग को अपना रंग देने की कोशिश करता है, आपकी इनपुट होती है उसमें?
आई थिंक द रीज़न वाई आई वर्क मेनली विद प्राइमरली विद काजी इज़ बिकॉज काजी जो है वो आपको अपना मतलब जो आर्टिस्ट का अपना इनपुट होता है व्हेन ही इज़ डायरेक्टिंग द होल आइडिया एंड एवरीथिंग, वो कहता है कि हाँ व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट, डू यू फील कंफर्टेबल इन दिस, आपका अपना क्या राय है. ऐसा इस दफा नहीं हुआ, ऐसा इस बार नहीं हुआ. आयमा को मैंने बोला था इस शूट में कि आप लाल लिपस्टिक लगाएं, तो इन्होंने कहा कि मैं लाल लिपस्टिक नहीं लगाऊंगी. अच्छा. तो फिर जब आखिर में बिल्कुल शूट शॉट से पहले मैंने उन मेकअप आर्टिस्ट को कहा सिर्फ लगा दो उतार लेना बाद में, तो जब इन्होंने लगाई तो इन्होंने कहा हाँ ये अच्छी लग रही है. अच्छा, बिकॉज आई थिंक ये लोग ये कैमरा के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे थे और मैं जरा चाह रही थी कि आई वॉन्ट द होल वाइब टू बी अ लिटिल sad, depressing, a little, yeah, it was a phase yet again. Yeah, I'm gonna say. You can look nice and be sad. Yeah, I mean, yeah. Sir, said, bada point to chai. Yeah. मैं भी हलाल लिपस्टिक लगाती हूँ. हलाल? और नहीं सॉरी, लाल लिपस्टिक लगाती हूँ. अच्छा. मुझे लाल लिपस्टिक बहुत पसंद है, बट अब्बा जी जो है उसको ब्रेड पे लगा के खा जाते हैं. इसको ब्रेड पेट भी कहते हैं. ब्रेड पे खाने का मजा ही अलग है. वाह वाह. वो आंतें जो अंदर लाल होती है मजा आ जाता है. म्यूजिक वीडियो का पाकिस्तान में फ्रांसिस फोर्ड कोपला कौन है? सो फार आई वुड से, क्योंकि मैंने सबसे ज्यादा काम ही काजी के साथ किया, तो मैं तो बायस हो जाऊंगी, मैं कहूंगी काजी. फ्रांसिस फोर्ड चोपड़ा ज्यादा लग रहा है. सारे काम कर लेते हैं, देखो जरा, वीडियो भी, फिल्म भी, निकाह भी पढ़ा लेते हैं. आपका तो नहीं हो सकता, तो आपका नहीं पढ़ाऊंगा. आपको किसने कहा मेरा निकाह? मेरा तो निकाह भी है. जिसे 8 अरब लोगों ने देखा, और उसके बाद बेबी शर्ट जिसको 11 अरब लोगों ने देखा. बंदा गाना गाना छाड़ दे, लोरियां गानी शुरू कर दे. भाई के अलावा हमारी दो ही फेवरेट ललाबाई थी, एक बेबी शार्क टू 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 और अलल बलल बावेदा. जब बेबी शार्क के सिग्नल वीक हुआ करते थे, तब हमारी अम्मा हमें गोद में लेकर अलल बलल बावेदा सुनाया करती थी. हाँ जी, और लोरी भी भला के सुनांदी सी अम्मा, अलल बलल बावेदा, बाबा कणक ले आवेगा, मेरा बच्चा मुकावेगा. नहीं नहीं, वो ये सुनाया करती थी, अलल बलल बावेदा, मां पियो दे पछतावेदा, दुर फिटे मुंह अख्तर लावेदा. बट अगर ये करना तो पूरा करो ना, जिस तरह वो करता है, लाहौर दा पावा अख्तर लावा. मेरा ख्याल है अख्तर लावे ने स्टेप ना हसन अली को लिया. कादिर आजाद कई बार जाएगा, एक छोटी सी ब्रेक के बाद अभी हाजिर हो रहे हैं. आप देख रहे हैं सुपर. कभी शीशे में देखिए नहीं कहा ललिता. एंड वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक. आप देख रहे हैं सुपर. आयमा, आपसे कुछ राउंड खेलते हैं, आपने अपनी प्रेफरेंस बतानी है इनमें. ओके, सबसे पहले उस्ताद राहत फतेह अली खान या उस्ताद शफकत अमानत अली खान? उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब. नहीं, वो तो डिप्लोमेटिक हो गया, लेकिन इन दोनों बीच भी करो. उस्ताद राहत फतेह अली खान साहब. ओके, आतिफ असलम या अली जफर? ओह नो, ये तो मुश्किल. आपने मुझसे सवाल पूछ लिया, दोनों बहुत कमाल के. ये भी डालना है, ठीक है ना, इंसर्ट करना है, एडिट नहीं कर देना. नहीं नहीं नहीं, बट पर्सन आतिफ असलम, cuz I've been a fan of him since I was a child. आहा, तो आप कहना चाहती हैं कि आतिफ असलम बहुत बड़ी उम्र के हैं? ये मजा थोड़ा वाकिफ असलम है ना. शान या हुमायूं सईद? दोनों बहुत कमाल लगते हैं स्क्रीन पे. और रिसेंटली अभी मैंने हमारे, आर यू गिविंग डिप्लोमेटिक आंसर? नो नो, आई एम अबाउट टू, बट मैं आपको तेरी तरफ ही एक्सप्लेनेशन. हाँ, क्योंकि दोस्त है ना फिर. अभी रिसेंटली मैंने हुमायूं सर की एक्टिंग देखी थी क्राउन में. आई थिंक उससे पहले तो मैं उनकी फैन थी, फैन नहीं अब कहें, ठीक है मुझे पसंद थे, लेकिन आई थिंक आफ्टर वॉचिंग क्राउन जिस तरह उन्होंने इतनी सटली सब कुछ किया, आई थिंक हुमायूं सईद फॉर नाउ. हुमायूं सईद. अदनान, आपकी तरफ आते हैं, असदुल हक या एहसन रहीम? एहसन रहीम. हाय कितना एकदम एहसन रहीम. अच्छा, तो फिर आप भी बताएं, हुमायूं सईद या शान? शान. ओके, अच्छा ये भी बताएं ना जरा, मौला जट पुरानी अली या द लेजेंड ऑफ मौला जट? द लेजेंड ऑफ मौला जट. कुरतुलन बलोच या शाइगिल?
शेगिल. वेरी नाइस. रफाकत अली खान या सज्जाद अली? सज्जाद सर, ऑलवेज फॉरएवर. क्या बात है जी, क्या बात है. बग्गा या शानी? बग्गा जी. ओए, ये पॉज जो आया था ना, क्योंकि अच्छा दोनों कजन्स भी हैं, ठीक है ना, दोनों के साथ मैंने काम भी बहुत अच्छा किया हुआ है, लेकिन बग्गा जी और मेरे जब भी कोई हम लोग साथ कोलैबोरेशन करते हैं उसमें अल्लाह की तरफ से बरकत आ जाती है, सो आई थिंक आई वुड से बग्गा जी. वो शो देखते भी हैं तो इसलिए. बग्गा जी की बात करें तो उन्होंने घर के करेले तो मशहूर है, लेकिन तारी भी बड़ी मशहूर है. कभी खाधी? मुझे तो उन्होंने ग्रीन टी से आगे कुछ भी नहीं पिलाया. वाह 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 वाह, बग्गा जी इधर खाबे तो इतने ग्रीन टी. यहाँ की तारी और हमारे घर की सहरी बहुत मशहूर है. क्योंकि ये सहरी मांग के खाते हैं. हाय माँ जी, सुनो कहानी इज अ वेरी सैड एंड हार्ट टचिंग सॉन्ग. इसमें किसी के लिए कोई हिडन मैसेज तो नहीं था? हाय, हिडन मैसेज नहीं था. आई थिंक इट वाज अ वे फॉर मी टू एक्सप्रेस हाउ आई वाज फीलिंग इन दैट पर्टिकुलर फेज, ठीक है, बिकॉज रादर देन आई थिंक गोइंग ऑन ऑनलाइन और सोशल मीडिया पे जाके, रादर देन टाइपिंग एनीथिंग और वो हर जगह जाके फैल जाए और लोग उसको एग्जैजरेट कर दें गलत तरीके से, आई थिंक एक आर्टिस्ट के लिए बेस्ट तरीका होता है कि वो अपने आर्ट के थ्रू, अपने म्यूज़िक के थ्रू, अपने आई थिंक लिरिकली स्पेशली अपने आप को एक्सप्रेस करें और उसमें अपने इमोशन डाल दे, तो लोगों तक जो समझदार लोग हैं उन तक पहुंच गया होगा मेरा मैसेज. और बाकी थैंक्स टू कैफी फॉर राइटिंग द सॉन्ग. क्या बात है. हाय मां, जब मेरे भी आपकी भाभी जोरा भाई से झगड़ा होता है तो मैं भी सोशल मीडिया पर कुछ नहीं डालता, सिर्फ वीडियो बनाता हूँ. जो बचा था वो लुटाने के लिए आए, आखिरी गीत सुनाने के लिए आए, जो बचा था. ओ, क्या बात. वाह वाह यार, ये बात तो ये जोधा भाई मर था. शहनशाह किसी दिहाड़े में टाइम कट के तुसने मौत दे खूत है आसा. वैसे जोधा भाई जब नाराज होती थी ना तो दो फंक्शन पकड़ लेती थी. दीवाना भूल कोई हमसे ना हो जाए, रूप तेरा मस्ताना प्यार मेरा दीवाना, भूल कोई हमसे ना हो जाए. भाई हमने सदके की सीरी दे दी हुई है, लेकिन मैं पावे लेने आया हूँ. मैं हूँ कोरियोग्राफर प्रभु हमीद आचार्य. आपको किसी ने गलत इन्फॉर्मेशन दी, यहाँ कोई म्यूजिक शूट नहीं हो रही, इसलिए आप वापस मौत के खूह में जाएं, बल्कि यूं करें मौत के मुंह में जाएं और अंदर से कुंडी लगा लें. और अपने चाहने वालों को कहो कुंडी ना खड़का सोनिया सीधा ही अंदर आ. फिल्में बनना बंद हो गई हैं और स्टूडियो वीरान हो गए हैं, सिर्फ ओएसटी बन रहे हैं और उनमें भी डांस नहीं होता. मुझे मत रोको कटना त्रिकटा त्रिकटा, मुझे मत रोको पहले इनू रोको, मुझे मत रोको. पहले हुआ करते थे डांस, अकेले ना बाजार जाया करो, ढकना त्रिकटा त्रिकटा नजर लग नजर लग जावे दी, नजर लग जावे दी, सबकी नजर में ना आया करो, नजर लग नजर लग. मैंने ऐसे ला दे. ये कैसा जैक डांस करता है. तो भाई तो आजकल आप क्या कर रहे हैं? आजकल सिर्फ मैं चाय के कप पर डांस कर रही हूँ. मैनू चा पिया ठीम ठीम मेरा मूड बने, मैनू चा पिया मेरा मूड बने, कहंदी दुनिया सारी हाय हाय, कहंदी दुनिया सारी बिना कर पत्ती दी परवाह, थोड़ा सेक लुआ ठीम ठीम मेरा मूड बने, थोड़ा सेक लुआ मेरा मूड बने.
या तो काजी कभी आपने अगर म्यूजिक वीडियो तबाह करनी हो तो ये प्लीज इनको कास्ट जरूर कीजिएगा। मुझे लगता है मैं माँ बाप की इस गलती को, मेरा मतलब है कि इन कोरियोग्राफर को इस तरह की आजाद शायरी और इस तरह का डांस जो है कभी आपने पहले देखा है? नहीं ऐसा नहीं पहले कभी देखा, लेकिन अगर ये परफॉर्म करें तो मतलब इन पैसे क्या कहते हैं वसूल होंगे। हाय पैसे वसूल होंगे तेरे। थैंक यू। ये कोरियोग्राफर नहीं है, ये है कोरियोग्राफर। और आयमा ये कैसे हो सकता है कि आप सुपर ओवर में हैं तो सुपर ओवर को द लेजेंड ऑफ सुपर ओवर हम ना बनाए? आयमा जाने से पहले कुछ तो गुनगुनाए। कैफी ने जो गाना गाया बहुत खूबसूरत है, लेकिन आई डोंट थिंक कि कोई कंपैरिजन होना चाहिए। इट्स जस्ट अ फीलिंग जो मैंने एक्सप्रेस की है, और आई थिंक इसी से शुरू करते हैं। गाने का नाम है प्यार हुआ था। ये